कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू सिटी किस शहर को कहा जाता है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और नागपुर। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए जोधपुर। और यहाँ पर ऑरेंज सिटी कहा जाता है, ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है नागपुर को, और पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है जयपुर को। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये पूछा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हेलो फ्रेंड्स, जीके जस्ट नॉलेज में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के लिए स्पेशल हम प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आए। इससे पहले भी मेरे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो ये 2024 के लिए है। तो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? इसमें पेरिस विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, असम विश्वविद्यालय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तक्षशिला विश्वविद्यालय। और ये सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एशिया। एशिया महाद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। आपको आपको तो पता ही होगा कि टोटल 7 महाद्वीप हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें जो सबसे बड़ा द्वीप होगा महाद्वीप वह एशिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? तो यहाँ पर हमने महाद्वीप की बात कर ही ली है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? सुंदरबन डेल्टा, नील नदी का डेल्टा, गंगा नदी का डेल्टा, यमुना नदी का डेल्टा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुंदरबन डेल्टा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा देश है? जर्मनी, रूस, इंडोनेशिया, भारत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस है जो सबसे बड़ा देश है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? भारत, भूटान, बांग्लादेश, रूस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। भारत है जहां पर सबसे ज़्यादा मतदाताओं वाला देश है और जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा देश है भारत। तो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा बांध है? बोल्डर बांध, भाखड़ा बांध, भव्य बांध, अन्य। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भव्य बांध। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा बांध कहा जा रहा है, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा बांध तो वैसे तो चीन का बांध है, तो चीन का बांध है विश्व का सबसे बड़ा बांध। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे तो जो भव्य बांध है, भव्य बांध वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ऑप्शन के हिसाब से दिए जाते हैं, बाकी तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भव्य बांध। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें एक बात और है कि यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा बांध पूछा जा रहा है, ना कि भारत का। यदि भारत का सबसे बड़ा बांध पूछा जाता तो वहाँ पर राइट आंसर हो जाता भाखड़ा नागल बांध, लेकिन यहाँ पर विश्व का पूछा जा रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भव्य बांध। यदि चीन का बांध यहाँ पर होता तो वो राइट आंसर होता, लेकिन यहाँ पर चाइना का बांध नहीं है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र है? गैलापागोस, भूमध्य सागर, तैथिस सागर, चूकी सागर। तो राइट आंसर जो ऑप्शन बी, भूमध्य सागर है जो द्वीप भी है, सबसे बड़ा द्वीप समुद्र है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है? यहाँ पर हमने पहले बात कर चुके हैं, तो यहाँ पर ग्रीनलैंड, आइसलैंड, इंडोनेशिया द्वीप, अन्य। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सबसे बड़ा द्वीप। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा द्वीप वह हो जाएगा ग्रीनलैंड। यदि यदि क्वेश्चन में मेंशन होता कि सबसे बड़ा द्वीप समूह है, यदि समूह बीच आ जाता तो यहाँ पर समूह वाला द्वीप है वह हो जाता इंडोनेशिया, जिसमें कि लगभग 3,000 से भी ज़्यादा द्वीप हैं। तो इन क्वेश्चनों में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो यहाँ से आपको रखना है जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है वह ग्रीनलैंड द्वीप है, और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है वह इंडोनेशिया द्वीप समूह है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? चक्रवात, ज्वालामुखी, चंद्रमा का आकर्षण, समुद्री सतह पर भूकंप। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्री सतह पर भूकंप। ये सारे क्वेश्चन एसएससी के हैं जो पिछले एग्जाम में आ चुके हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। अब याद आपको रखना है, तो यहाँ पर आप याद रख सकते हैं महात्मा गांधी, गा से गांधी, और यहाँ पर गा से गोखले। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? पाल्क जल संधि से कौन से देश, दो देश जुड़े हुए हैं, भारत यहाँ पर पाकिस्तान और चीन, भारत एवं श्रीलंका, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, ब्रिटेन एवं रूस। तो राइट आंसर जो को ऑप्शन भारत और श्रीलंका। इस तरीके से यहाँ पर श्रीलंका है। तो यहाँ पर जो जल संधि है वहाँ पर पाल्क जल संधि के द्वारा भारत और श्रीलंका जुड़ते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वैशाली, कौसाम्बी, श्रावस्ती, चंपा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंपा। चंपा इसकी राजधानी थी अंग महाजनपद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? असम, केरल, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? 1947, 1948, 1950, 1951। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1948 में यह लागू स्वीकृत हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू सिटी किस शहर को कहा जाता है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और नागपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोधपुर। और यहाँ पर ऑरेंज सिटी कहा जाता है, ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है नागपुर को, और पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है जयपुर को। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये पूछा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोधपुर, ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा, सिकंदर, कैप्टन कुक, कोलंबस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलंबस ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी के किनारे है। और वहीं ताप्ती नदी की बात करेंगे तो सूरत जो सिटी है वह ताप्ती नदी किनारे है। तो ये थी हमारी प्रैक्टिस सेट की क्लास, जिसमें कि हमने 20 क्वेश्चन यहाँ पर देखे हैं। तो आई होप आपको पसंद आए हो। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।